पंजाबी लोक गायकी के आकाश पर चमकने वाली गुरमीत बावा को अपनी कला से बहुत प्यार है, उतना ही प्रेम उन्हें अपने घर संसार से भी है। शायद यही उनकी सहजता, सरलता और भारतीयता का राज भी है। एक सहृदय माँ, एक सहिष्णु व पतिव्रता पत्नी गुरमीत अपनी संस्कृति की ताजगी को विदेशी प्रदूषण से बचाकर रख रही हैं। 33 से भी ज्यादा वर्षों से गायकी का अटूट क्रम जारी रखे हुए गुरमीत बावा ने अपना संगीत ज्ञान आज की युवा पीढ़ी के साथ भी बांटा है। कई नौजवान कलाकार उनसे लोक गायकी के लिए मार्गदर्शन ले रहे हैं, जिनमें उनकी तीनों बेटियां शामिल हैं। बच्चे को जो उसकी आवाज हो, जो उसको मतलब उसमें माँ बाप का जो खून होता है या इनहेरिटेड, मतलब इसको समझ लो, जैसे बचपन में ही इनको मैं जब बाहर जाती थी तो बचपन में इन्होंने कभी रो पड़ना, कभी कुछ करना, तो मैं रेडियो लगा देती थी तो बच्चे सो जाते थे, क्योंकि इनको शुरू से ही ये था, मुझे पता था कि ये कुछ बनेगी। सुनते सुनते मम्मी पापा से हमें भी बहुत शौक हो गया बचपन से ही, तो म्यूज़िक से लगाव होने के कारण उन्होंने तो हमें जो तरबियत दी सो तो दी ही, उन्होंने हमें फोक के बारे में बहुत कुछ सिखाया, फोक हमें दिया उन्होंने, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ तालीम और भी चाहिए थी, क्योंकि फोक तो बेस है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर क्लासिकल भी जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से वो सोने पर सुहागा होने की बात होती है, तो हमने इसलिए क्लासिकल की तालीम भी ली अपने स्कूल में, कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में। सब कुछ हमने शुरू से ही अपने मामा से ही सीखा, उन्होंने हमें चलना सिखाया, उन्होंने हमें गाना सिखाया, और फोक जितना भी उन्होंने हमें दिया हमने वैसे ही ग्रहण किया और वैसे ही आज तक गाते आ रहे हैं अपने मामा के साथ भी और हम दोनों अकेले।